हाउ टू द वॉल पेंटिंग, आप घर के लिए कैसे पेंट करते हैं और आभार के पेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अंदर के लिए वॉलकर पुट्टी देखते हैं एशियन की। एशियन में नॉर्मल पुट्टी से भी वाटरप्रूफ वॉलकर पुट्टी लगाएं, सीलिंग के लिए बहुत बेहतर होगा। अगर वॉल पे लगाते हैं तो सादा भी लगा सकते हैं, और सीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप वॉलकर पुट्टी एशियन में ले रहे हैं तो वाटरप्रूफ की ज़रूर लगाएं। तो देखिए, सबसे पहला अंदर दो कोट वॉलकर पुट्टी करके फ्रेमर लगा के उसके ऊपर पेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बाहर के लिए बता रहे हैं, तो देखिए बाहर के लिए कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से जोड़ी बना सकते हैं और किस तरह से आपके घर पे लगा सकते हैं। हमारे पास कंडीशन के साथ साथ में पूरा का पूरा एशियन का कलर कॉम्बिनेशन के बारे में चिट्ठी थी, यानी कि बाहर का रूलर, बाहर के लिए ब्रश और बाहर के लिए पूरा का पूरा सामान हम नए नए से लाए थे। रूलर 350 रुपये लगभग है और ब्रश इसका 100 mm का 500 रुपये कीमत है। इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसमें आप किट से अटैच करके आराम से आप लगा सकते हैं। वैसे तो इंटीरियर का यानी एक्सटीरियर का फ्रेमर नॉर्मल हो सकता है, हम डैम्प प्रूफ लगा रहे हैं इसलिए कि डैम्प प्रूफ लगाने से इसकी लाइफ, घर की दीवारों की ज़्यादा लाइफ अच्छी आती है और इसके ऊपर कचरा वगैरह भी नहीं बनता है और पेंट भी लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ लगाने के बाद फ्रेमर एक कोट इस तरह का आया था और इसके बाद डैम्प प्रूफ के अंदर हमने पानी ज़ीरो यानी कि पानी ही नहीं लगाया और सीधे डायरेक्टली हमने डैम्प प्रूफ को अप्लाई किया है। पूरे कुल 6 बकेट चाहिए थे और लगाने के लिए देखिए डीलर का यानी कि होम ओनर का ख्याल था कि कुछ इस तरह का पेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसी की तरह हमें चाहिए। तो हमको चाहिए था कि चैट में कलर सेम इसी तरह के लेके आए, पिलर में भी डिज़ाइन करना बाकी था सेम इस तरह सा, ये जिप्स वाला ऑप्शन है, चलिए इस तरह का हम ज़रूर करेंगे। तो हमारे पास टेलगार्ड का एक प्रोडक्ट आया था जिसमें टेलगार्ड का जो चैट है उसी में हम कलर लेना चाहते हैं। तो हमारे पास चैट जो आया था ना उसमें हम कलर अपना अपना कलर निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वॉल के लिए लाइट कलर चाहिए और वो है यहाँ पे, और उसी के सर के हमें चाहिए नीचे पाए के लिए, नीचे यानी इसका स्टार्टिंग का जो बेज होता है उसके लिए ये कलर वाला सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रे कलर है, इसके लिए बहुत सूटेबल होगा और उस होम में यानी उस घर में भी सेम यही कलर था। और दो जो कलर थे वो था पर्दे के लिए हमें लगाना बहुत ज़रूरी था, वो कलर हमें मिल गया यहाँ पे और ये पर्दे पे लगाएंगे ज़रूर। इसी के साथ में ऑरेंज एक मिक्स था और वो वाला कलर भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए इस कलर को हमने पूरी की तरह से ले लिए हैं, कुल 5-4 कलर अब बाहर के लिए लगाएंगे। वैसे तो खिड़की यानी ऑयल पेंट के लिए मिला के ये भी 4 ही कलर हो रहे हैं, वो कैसे आप चीटी करके बताएंगे, चीटी में लिखा होगा हमें कितना कितना लीटर चाहिए, कितना कितना पेंट चाहिए। तो सबसे पहला हम यहाँ पे 30 लीटर वॉल के लिए जो लिए थे, ये 30x25 का घर है और ये 30 लीटर जो है डबल कोट के लिए वॉल के लिए जा रहा है। नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 8 लीटर पर्दी के लिए ऊपर के लिए जा रहा है, 2 लीटर ऑरेंज के लिए पट्टी के लिए जा रहा है, 4 लीटर नीचे बॉर्डर के लिए जा रहा है पाए के लिए, 3 लीटर सेम कलर वो विंडो के लिए जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं काम और बताते हैं प्रोडक्ट हमें कौन सा मिला है। और टेलगार्ड का कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, होम ओनर यानी घर का मालिक वो कुछ नया क्वालिटी लेके आया, पर भी 7 साल गारंटी का अच्छा क्वालिटी है जो नया अभी अभी रिसेंट में एशियन ने लॉन्च किया है और ये क्वालिटी भी हमने पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। देखिए यहाँ पे 1 कोट हो रहा है यानी एक ही कोट में कितनी अच्छी फाइनेंशियली ये यहाँ पे कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है और ये दोबारा इसमें डबल कोट करेंगे तो और भी शाइनिंग होगी। चलिए बकेट की तरफ बढ़ते हैं, सेम कलर हमें मिल गया है, अच्छा हुआ कि यहाँ पे अल्ट्रा का जो 7 साल गारंटी का जो नया जो प्रोडक्ट आया है यहाँ पे देख सकते हैं एशियन का, ये मैं पहले इस्तेमाल नहीं किया था, मैं 10 साल गारंटी और 4 साल गारंटी का इस्तेमाल किया था, ये 7 साल गारंटी का अपेक्स अल्टीमा से कुछ अलग है। नंबर देख सकते हैं 8035 और वॉल पे पूरी तरह हम लगा चुके हैं, अब बस बाकी का जो कलर बाकी लगाना है नीचे पाए के लिए और पट्टी के लिए ऊपर पर्दी के लिए, वो भी सेम कलर था वो, क्योंकि हमने 8 लीटर जो मंगाया था 8078 का कलर, 8 लीटर 7 साल गारंटी का पर्दी के लिए 2 कोट। इसके अंदर पानी ये जो क्वालिटी है इसके अंदर हमने पानी चेक किया तो इसमें पानी डालने का ऑप्शन सिर्फ 0.5 लीटर था, हम यहाँ पे 8 लीटर के लिए लगभग 4 लीटर पानी डालेंगे बिना तभी ये बहुत ही जाड़ा था, अंदर और बाहर के लिए भी ख़त्म होगा, यानी कि लगा लिया। वैसे तो ये सिर्फ बाहर के लिए मंगाया था, पर्दी के लिए तो लगा दिए हैं और वो सेम कलर जो अभी ग्रे कलर जो है ना वो पाए के लिए नीचे लगाएंगे, जो जिस जगह मट्टी दिख रही है और वहाँ पर विंडो दिख रही है विंडो के लिए हम ग्रे कलर लगाएंगे, बाकी जो ऊपर की पर्दी दिख रही है इसके लिए हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। तो चलिए ग्रे कलर हमारे को वो क्वालिटी में नहीं मिला और टाइलगार्ड में भी नहीं मिला, रॉयल में मिला था। वैसे तो ये रॉयल का जो अंदर रॉयल शाइनिंग अंदर के लिए लगाते हैं, अपेक्स अल्टीमा जो
10 साल गारंटी का होता है वो बाहर के लिए लगा सकते हैं। 7959 का जो 59 का जो कलर था वो एशियन में मिला था, और ये जो एशियन की तो पूरी क्वालिटी लगा रहे हैं। ऑरेंज में जो तो हमारे पास 7 साल गारंटी का अपेक्स अल्टीमा में मिला है, उस नई क्वालिटी में नहीं मिला। जो सेम कलर 0720 का जो कलर ऑयल पेंट का है, ये विंडो के लिए है। ये 4 लीटर लेके आया पार्टी, और वैसे तो हमारे को चाहिए था बस 3 लीटर। ये अपो क्वालिटी का प्रीमियम एमोलेशन है, क्योंकि इसमें ये जो है फ्रेमर लगाने के पास विंडो के ऊपर एक कोटी में ऑयल पेंट किया जाता है। वो सेम कलर अभी वहाँ पे बाहर पे कलर कॉम्बिनेशन हो रहा है, वैसे अंदर के लिए बाहर के दो पिलर थे ये भी एक डिज़ाइन उनके आ रहे हैं जिप्स वाले, सेम वैसे ही हम मैंने बना के रखा है। अभी इसके ऊपर कलर देना बाकी है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके डिटेल के किस तरह हमने काम किया है। तो फिलहाल हम ये घर की कंप्लीट फोटो देख लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट जब वीडियो हुआ ये बना है तो किस तरह लग रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है फुल। आने वाले हर एक वीडियो अभी नेक्स्ट ऐसे ऐसे घरों पर बन के आएंगे या बर्जर निपोन क्वालिटी के ऊपर। अगर आपको अंदर के लिए वॉल की पुट्टी नहीं करना है ना, तो इंटीरियर अंदर के लिए जो प्रेमर आता है एशियन के अंदर वो लेके उसमें आप पानी थोड़ा सा डाल के, यानी कि 0.5 लीटर 20 लीटर के लिए 0.5 लीटर पानी डाल के भी आप बिना वॉल की पुट्टी किए आप लगा सकते हैं इसके ऊपर पेंट। मगर आपको सीलिंग के लिए नॉर्मल वॉल की पुट्टी नहीं लगाना है, 100% वाटरप्रूफ वॉल की पुट्टी लगाना है। एशियन के अंदर, बर्जर के अंदर, निपोन के अंदर दो दो क्वालिटी तो होती ही है, और फिर भी हमने यहाँ पे 2 कोट वॉल की पुट्टी करके उसके ऊपर घिसाई करके उसके ऊपर प्रेमर लगा के और उसी के ऊपर 2 कोट ऑरेंज का पेंट जो भारत में बचा था वही कोट यहाँ पे लगा रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर एक डिज़ाइन करना है, वो भी डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पहले से आप हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, पेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जानता नहीं हूँ। हम पेंट ज़्यादा लगाते हैं घरों पर, तो हम हर दिन एक एक पेंट ओपन करते रहते हैं, तो अगर आप बताएंगे तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और डिज़ाइन के बारे में जहाँ तक है मैं यूट्यूब में देखा है कि कोई भी किसी ने भी डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाया, वो सिर्फ ये बनाते हैं ये म्यूज़िक लगा के छोड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि डिज़ाइन इसने किया ऐसे ही किया। अगर आपको भी करना है डिज़ाइन किस तरह से, तो हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बना रखे भी हैं, बनाएंगे भी। अगर आपको 3D में वीडियो 3D में पेंटिंग बनाना है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा से बताएंगे आपको, आपको सीख जाएंगे, ज़रूर सीखेंगे, और आप अपने घर में भी ऐसा कर सकेंगे। ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखे हैं, मैं एंड स्क्रीन पे जो साइड स्क्रीन पे दे दूंगा वहाँ से आप क्लिक करके राइट या लेफ्ट पे क्लिक करके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है वहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, अंदर के लिए हम कलर कॉम्बिनेशन के बारे में और वॉल की पुट्टी करने के बारे में और कितना पानी डालना इसके बारे में ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए कहते हैं बाय बाय।